फिल्मी दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी राज ठाकरे से शादी होते होते रह गई, जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी उसी से प्यार हो गया, जिनको एक ऐसी बीमारी हुई जिसका नाम सुनने से रूह कांप जाती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है जो जान तक ले लेती है। जहां इसी बीमारी से 10 में से एक इंसान ग्रसित है, ठीक वैसे ही बॉलीवुड स्टार्स भी इससे अछूते नहीं। इस बीमारी से जूझने वाले कुछ स्टार्स ने इससे जंग जीती तो कुछ ने अपनी जान गंवा दी। फिल्म सरफरोश, दिल जले, बॉम्बे, भाई और हम साथ साथ हैं जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी सोनाली बेंद्रे भी कैंसर का सामना कर चुकी हैं। और आज हम आपको इनसे जुड़ी वो खास बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोनाली बेंद्रे वो अदाकारा रही हैं जो अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर हुई, अपनी मासूमियत के लिए पसंद की गईं और अभिनय के चलते दिलों पर राज किया। इनकी खूबसूरती के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ करते थे, जो इन्हें किडनैप तक करने का प्लान बना चुके थे। कौन है वो शख्स, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे है जो कि सरकारी नौकरी किया करते थे। इनकी माता का नाम रूपसी बेंद्रे है जो कि एक हाउसवाइफ है। सोनाली के दो भाई हैं। सोनाली बेंद्रे ने अपनी शुरुआती शिक्षा बेंगलोर के केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम से की। इसके बाद सोनाली ने आगे की पढ़ाई होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई और वेल्लम गर्ल स्कूल देहरादून से पूरी की। फिर सोनाली ने मुंबई के रामानारायण कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की। मॉडलिंग के दौरान ही सोनाली को साल 1994 में पहली फिल्म आग ऑफर की गई। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने भी काम किया था। इस फिल्म से सोनाली के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई, जिसके लिए इन्हें न्यू फिल्म ऑफ द ईयर फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू कमर अवार्ड से नवाजा गया। शुरुआत के दिनों में सोनाली को काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से साल 1996 में आई फिल्म दिलजले से उन्हें पूरे देश में प्रसिद्धि मिल गई। इस फिल्म में सोनाली के अपोजिट अजय देवगन थे। फिल्म की कहानी से लेकर सोनाली की मासूमियत ने सभी को उनका फैन बना दिया। सोनाली बेंद्रे धीरे धीरे खुद को अपने काम की बदौलत स्थापित कर रही थी। इसी बीच कादर खान, सुनील सेठी, शक्ति कपूर के साथ फिल्म भाई, आमिर खान के साथ सरफरोश, जग, शाहरुख खान, काजोल, जूही चावला के साथ डुप्लीकेट, कधालर धिनम जो कि एक तमिल फिल्म थी, सलमान खान, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान के साथ फिल्म हम साथ साथ हैं, तेरा मेरा साथ रहे और अनाहत जैसे फिल्मों में काम किया जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। सोनाली बेंद्रे का विवादों से भी नाता रहा। साल 2001 में सोनाली को मुंबई पुलिस ने लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार किया था। दरअसल सोनाली ने दो लोगों के साथ एक मैगजीन के कवर के लिए सेमी न्यूड कपड़ों में पोज दिया था, जिस पर काफी विवाद बढ़ा था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में सोनाली जमानत पर रिहा हो गई थी। सोनाली का नाम सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में भी जुड़ा। सोनाली पर आरोप था कि काले हिरण के शिकार के वक्त वो भी इनके साथ मौजूद थीं। लेकिन 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने इस मामले से उन्हें बरी कर दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की खूबसूरती का हर कोई कायल है। जब सोनाली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनकी सुंदरता पर काफी एक्ट्रेस फिदा हुए थे। इस लिस्ट में एक नाम राज ठाकरे का भी था। हालांकि कहा जाता है कि सोनाली और राज ठाकरे एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन बाल ठाकरे की वजह से दोनों की लव स्टोरी पर ब्रेक लग गया। बताया तो ये भी जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में जब दोनों के प्यार की भनक बाल ठाकरे को लगी तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने से साफ मना कर दिया था। साथ ही बेटे राज ठाकरे को समझाया कि अगर वो शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करते हैं तो उनकी छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसे में भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। जिसके बाद राज ठाकरे बाल ठाकरे की बात को मानते हुए शादी के फैसले से पीछे हट गए। गोल्डी और सोनाली की पहली मुलाकात सन 1994 में फिल्म नाराज के सेट पर हुई थी। सोनाली उस समय बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी और उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। सोनाली को पहली बार देखते ही गोल्डी अपने दिल हार बैठे, लेकिन इनकी मुलाकात गोल्डी की बहन ने कराई थी, जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए, साथ में लंच किया करते थे। और गोल्डी सोनाली की जिस बात पर दिल हार बैठे थे वो थी उनके धीरे खाने की आदत। समय बढ़ता गया और धीरे धीरे फिल्म नाराज की शूटिंग खत्म हो गई, जिसके बाद गोल्डी बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो सोनाली से हर दिन बात करना चाहते थे। इसके बाद गोल्डी ने महेश भट्ट के साथ
असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उस फिल्म में भी सोनाली काम कर रही थी। इस तरह एक बार फिर गोल्डी को अपने सपनों की रानी के साथ काम करने का मौका मिल गया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और गोल्डी असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। सोनाली ने उनकी फिल्म अंगारे में उनके साथ काम किया। उस समय वो डायरेक्टर के सारे मैसेज सोनाली को देते थे और उन्हें अपना ये काम इतना अच्छा लगने लगा था क्योंकि उन्हें सोनाली से ज्यादा बात करने का मौका मिलता था। शुरुआत में ये एक तरफा प्यार था। गोल्डी किसी भी तरह सोनाली से अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे लेकिन उन्हें डर था कहीं उनकी दोस्ती भी खराब ना हो जाए। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिनके साथ अक्सर मिलकर ये पार्टियां करते थे। सन 1998 में गोल्डी ने दोस्तों की मदद लेकर सोनाली को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। सोनाली गोल्डी को ना नहीं कह सकी, जिसके बाद करीब 8 सालों तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और 12 नवंबर 2002 को सोनाली ने गोल्डी बहल के साथ 7 फेरे ले लिए। इनका एक बेटा है जिसका नाम रणवीर बहल है। एक्टिंग और डांसिंग के अलावा सोनाली राइटिंग में भी काफी अच्छी हैं। उन्होंने द मॉडर्न गुरुकुल नाम से एक किताब भी लिखी है। सोनाली बेंद्रे के चाहने वाले भारत ही नहीं पाकिस्तान तक में भारी संख्या में हैं। इन्हीं में से एक थे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जो सोनाली की एक्टिंग और खूबसूरती के दीवाने थे और एक तरफा प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि उन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यहां तक कि वो सोनाली को किडनैप करने की सोच चुके थे, जिसे खुद शोएब ने खुलेआम स्वीकार भी किया है। दरअसल शोएब सोनाली की फिल्में देखकर उन पर फिदा हो गए थे और उन्हें पसंद करने लगे थे। शोएब जानते थे कि सोनाली उनका प्रपोजल कभी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने अपने सपनों की राजकुमारी को किडनैप करने के बारे में सोचा। इतना ही नहीं, शोएब अपने पर्स में सोनाली की फोटो भी रखा करते थे। सोनाली बेंद्रे ने ट्विटर के जरिए खुद को कैंसर होने की जानकारी अपने फैंस को दी थी। दरअसल सोनाली बेंद्रे को हाई ग्रेड कैंसर हुआ था, जो कि शरीर के बाकी भागों में भी फैल रहा था। जब ये हो रहा था तब उन्हें इसका पता भी नहीं चला। उन्होंने जब एक छोटे से दर्द की जांच कराई तब जाकर इस बीमारी का खुलासा हुआ। वाकई कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। बता दें कि सोनाली बेंद्रे को साल 2018 में जुलाई महीने में कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला। इसका खुलासा उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए किया था कि उन्हें मेटास्टेटिक कैंसर है। इसके बाद वो अपने पति के साथ इलाज के लिए न्यूयॉर्क चली गई और 4 महीने तक इलाज कराने के बाद भारत वापस लौटी थी। सोनाली बेंद्रे के शरीर में कैंसर काफी तेजी से फैल रहा था, इसके चलते उन्हें अपने इलाज के लिए बाल तक कटाने पड़े थे। बाद में उन्होंने कीमोथेरेपी से कैंसर की जंग जीती और अब अपने परिवार के साथ खुशी से जी रही हैं। सोनाली बेंद्रे ने बॉलीवुड के चारों खान, सलमान, आमिर, शाहरुख और सैफ अली खान के साथ काम किया है। इसके साथ ही इन्होंने अक्षय कुमार और साउथ की प्रसिद्ध स्टार चिरंजीवी के साथ भी काम किया है। इतना ही नहीं, जब 1 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन भारत आए थे तो सोनाली बेंद्रे ने ही उनका स्वागत किया था। सोनाली को अभिनय की दुनिया में शानदार फिल्मों के लिए पद्मश्री और पद्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।